क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद से पूरे देश में जश्न का माहौल। लोग आतिशबाजी कर अपनी खुशियों का इजहार करते हुए नजर आए, लेकिन जीत को लेकर मुजफ्फरपुर में जब आतिशबाजी की गई तो जमकर बवाल ही हो गया। मुजफ्फरपुर में जीत की खुशी पर कैसे ग्रहण लगा, दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। पटाखा वही फोड़ लेते अगर बोला ना तो कंप्लेन करते, कानून हाथ निकालते। पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत, जीत के बाद जश्न मनाने सड़क पर उतरे लोग। मुजफ्फरपुर में जश्न पर बवाल, पटाखा वही फोड़ लेते अगर बोला ना तो कंप्लेन करते, कानून हाथ में कंप्लेन करते, आपको भी कंप्लेन करना चाहिए। आतिशबाजी पर भड़के गुदरी इलाके के लोग, वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 8वीं बार हरा दिया है। भारत ने अपनी अनंत जीत का सिलसिला बरकरार रखा और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी। भारत की इस जीत का जश्न पूरे भारत में मनाया गया। देश के कोने कोने में भारतवासियों ने पटाखे जलाकर भारत की जीत का जश्न मनाया, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में खेल प्रेमियों के इस उत्साह पर ग्रहण लग गया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान की भारत से करारी हार के बाद मुजफ्फरपुर में भी लोग जीत के जश्न में डूब गए। छोटा सा विवाद हुआ है, विवाद सॉर्ट आउट हो गया है और एक लड़के को पटाखे से आई थिंक लगाया तो वो भी हॉस्पिटल में है और बाकी पुलिस यहाँ पे कैंप कर रही है, शांति समिति के लोग भी हैं और जो दोनों लोग जिन दो परिवारों में शुरुआत में विवाद हुआ था दोनों परिवारों को पर्सनली समझा दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई इसमें की जाएगी। लोगों ने अपनी खुशियों का इजहार करने के लिए जमकर आतिशबाजी शुरू कर दी, लेकिन ये आतिशबाजी गुदरी इलाके के लोगों को रास नहीं आई और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। पटाखे फोड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि कई थानों की पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। मामला एकदम शांत है, कोई वो नहीं और मैं सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी अगर अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो वो चीज ना करे, तो हम लोग सब पे नजर रखे हुए हैं और कार्रवाई की जाएगी। बाकी सब मामला एकदम शांत है, कोई बिल्कुल उन लोगों के बोला डेफिनेटली जितना कड़ी कार्रवाई हो सके वो हम लोग करेंगे। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि जीत पर पटाखे फोड़ने पर इतना बड़ा बवाल शुरू क्यों हुआ। स्थानीय लोगों की माने तो भारत की जीत के बाद गुदरी रोड में शौचालय मोड़ के पास आतिशबाजी शुरू हुई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे कुछ लोगों ने पटाखा फोड़ने से मना करना शुरू कर दिया। इसके पीछे ये तर्क दिया कि आतिशबाजी की वजह से दिल के मरीज और छोटे बच्चों को परेशानी होगी। इस बात को नहीं मानने पर दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई। इधर घटना के बाद मौके पर पहुंचे एएसपी अवधेश दीक्षित ने लोगों से शांति बनाने की अपील की। एएसपी के अनुसार हाथ जलने से एक युवक मामूली रूप से घायल हुआ है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को समझा दिया गया है। घटना के बाद मोहल्ले में पुलिस जवान एहतियातन कैंप कर रहे हैं, इलाके में शांति व्यवस्था कायम है। इसके साथ ही उन्होंने अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। बहरहाल जो भी हो, जीत के बाद बवाल से ये सवाल उठना शुरू हो गया है कि अपने देश की जीत के बाद लोग अपने मोहल्ले या घरों के आसपास खुशी नहीं मनाएंगे तो कहां मनाएंगे। न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के लिए मुजफ्फरपुर से चंद्रमणि कुमार की रिपोर्ट।